जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिहटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोग स्वागत करता हूँ। आज आपकी करेंट क्लासेज में 31 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें और डेली आप सभी डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें, वीकली में रिकॉल करें और मंथली में टेस्ट करें, आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा। जो भी एग्ज़ाम आगे है उसके तैयारी के लिए कर आप करेंट को ध्यान से पढ़ते रहें और रिकॉल करते रहें। जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, सभी लोग लाइक शेयर करते रहें और समय से क्लास को फॉलो करें और डेली फॉलो करें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे देखते हैं और साथ साथ पिछले दिन के क्वेश्चन को भी हम रिकॉल करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। एक नंबर ऑप्शन है 29 मई, नेक्स्ट है 30 मई, नेक्स्ट है 31 मई और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई जाती है। और ध्यान रखेंगे WHO के द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, और इसी के तहत हर वर्ष की एक थीम होती है और 2023 का थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो ध्यान रखेंगे इस थीम के साथ 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जस्टिस M.S. रामचंद्र राव किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो जस्टिस M.S. रामचंद्र राव, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिस M.S. रामचंद्र राव जो है वो किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिए हैं। तो एक नंबर ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है आपका जो है हिमाचल प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो जस्टिस M.S. रामचंद्र राव जो हैं वो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको ध्यान रखना है। पिछला दिन बताए थे हम कि अभी हाल ही में जो है वो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे और साथ साथ आज वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि M.S. रामचंद्र राव जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया। तो स्माइल एम्बेसडर के रूप में जो है वो सचिन तेंदुलकर को अगले 5 वर्ष के लिए जो है नियुक्त किया है कौन से राज्य सरकार। एक नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो ध्यान रखेंगे कि स्माइल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में 4 जुलाई को किसकी अध्यक्षता में 22वें SCO संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसके अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबानी जो है वो गोवा में हुआ था और इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे।
तो इस तरह से जो है किसकी अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है होने जा रही है। ऑप्शन नंबर एक है द्रौपदी मुर्मू, सेकंड है जगदीप धनखड़, थर्ड नरेंद्र मोदी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि एससीओ जो है वो शिखर सम्मेलन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22वें ध्यान रखेंगे 22वें शंघाई सहयोग संगठन का मेजबानी जो है वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। हालांकि इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होने वाली थी, परंतु इसका बैठक जो है अब वर्चुअल रूप से किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसकी बैठक वर्चुअल रूप से होगा और इसका होने वाला था दिल्ली में, परंतु अब वर्चुअल रूप से इसका बैठक होगा और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी गोवा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ जो है वो 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग का मेजबानी गोवा करने जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे और साथ साथ इसका थीम है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर इसका थीम है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि G20 का जो मेजबानी इस बार कर रहा है वो भारत कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के तहत जो है वो ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल का बैठक जो है वो गोवा में संपन्न होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की GDP विकास दर 2022-23 में कितना रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022-23 में भारत का GDP विकास दर कितना रहा, किसके अनुसार। तो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार एक नंबर ऑप्शन है 7.1, बी है 7.2, सी 7.3 और नेक्स्ट है 7.5। तो ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का GDP विकास दर जो है वो 7 पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि 7.3 निश्चित किया गया है आपको ध्यान सॉरी 7.2 निश्चित किया गया है। तो 2022-23 का जो विकास दर है वो 7.2 है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ आपके लिए एक नोट है, आप इस नोट को ध्यान रखेंगे। 6 क्वेश्चन के अलावा आपके लिए एक नोट लाए हैं, इसको ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रोफेसर हैं अभिजीत चक्रवर्ती, इनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक इंटरनेशनल टीम, ध्यान रखेंगे अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में इंटरनेशनल टीम ने बृहस्पति से 13 गुना बड़े ग्रह की खोज किया। ध्यान रखेंगे बृहस्पति से 13 गुना बड़ा, जिसका नाम है 4603, उस ग्रह का नाम है 4603 और इसकी खोज किया। यह HD 245134 नामक तारे की परिक्रमा कर रहा है, जैसे बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करती है उसी तरह ये 4603 ग्रह जो है वो HD 245134 नामक तारे की परिक्रमा कर रहा है और इसमें जो है वो भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल थे इस मिशन में। और ध्यान रखेंगे कि यह ग्रह जो है वो पृथ्वी से 331 प्रकाश वर्ष दूर है, क्योंकि खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी से 731 प्रकाश वर्ष दूर है और यह जो है वो 7.24 दिनों में तारों का परिक्रमा करता है, यानी कि जिसका सदस्य उसका परिक्रमा करता है 7.24 दिनों में। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट आप ध्यान रखेंगे यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ग्रह है, तो 4603, और कौन सा जो है इसका तारा है, तो HD 245134, जिसका परिक्रमा यह जो है 7.24 दिनों में कर रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आइए कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट IPL था, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये तो पिछले क्लास में हम डिटेल्स बता दिए थे, बाकी आप सभी इसे एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है इसे रीड कर लेंगे ताकि आपका पूरा IPL क्लियर हो सके फिर से। तो एक दो बार इसे रिकॉल करते रहें ताकि आपको जो है वो जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइए कुछ क्वेश्चन थे इसके अलावा उसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रूप में शपथ किसने लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इसकी स्थापना 1966 में
संस्थानन समिति के सिफारिश पर हुआ था, डिटेल्स बताया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर टू है कि हाल ही में रिसेप तैयप एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, तुर्की है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री था, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, एच प्रणय, एक नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेर एस्टैपेन, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सेटेलाइट NVS-1 को कहाँ से लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में WHO ने बाहरी ऑडिटर 2024-27 के लिए किसे चुना, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना है, पहले से यही थे, फिर से इन्हें जो है वो चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को हरा कर जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने है तो कितना जुर्माना लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्बोडिया। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके लिए सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्लास का आनंद लें, ये सब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।